नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक और न्यू जानकारी के साथ हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर एक और न्यू जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जानकारी है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS में, जो ऑल इंडिया में KVS की स्कूलें हैं, केंद्रीय विद्यालय की स्कूलें हैं, उनमें एडमिशन के लिए क्लास वन, जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन होते हैं, उनकी जानकारी लेकर आए हैं कि कब से आपके फॉर्म भरे जाना है, कितना आपको समय लगेगा, कितनी आपकी डेट है, बाकी सारी चीज़ें, कब कब आपका एडमिशन होना है, कब लास्ट डेट है। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं ये वेरिफिकेशन है या डॉक्यूमेंटेशन है, जो जानकारी मांगी गई है कब से कब तक फॉर्म भरना है। तो देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट में देखिए, शेड्यूल ऑफ फॉर एडमिशन फॉर द एकेडमिक सीजन 2019-20 रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, ये 19-20 के एडमिशन के लिए, क्लास फर्स्ट के लिए है। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये समय सारणी है। समय सारणी में देखिए, प्रवेश के लिए, ये देखिए दोस्तों, प्रवेश के लिए समय सारणी देख लीजिए दोस्तों। सत्र 2019-20 में प्रवेश के लिए समय सारणी निम्नलिखित है, देखिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रवेश के लिए विज्ञापन जो जारी हुआ है वो है लास्ट वीक ऑफ फरवरी, लेकिन फरवरी के सेकंड वीक में ही ये जानकारी अपडेटेड हो गई है। और दोस्तों देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट ऑनलाइन के माध्यम से जो कक्षा एक के लिए पंजीकरण की डेट है, वो दोस्तों देखिए 1 मार्च 2019 से सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी ये डेट। 1 मार्च 2019 सुबह 8 बजे से ये डेट प्रारंभ हो जाएगी। और जो कक्षा है एक के लिए लास्ट डेट है एडमिशन की, वो 19 मार्च 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक ये डेट रहेगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, याद रहे 1 मार्च से स्टार्ट होना है फॉर्म, और 19 मार्च 2019 तक 4 बजे तक ही इसकी लिंक रहेगी एडमिशन लेने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें जो जानकारी है, कक्षा एक के लिए अंतिम चयन सूची जारी करना एवं प्रवेश, जो लास्ट डेट रहेगी फर्स्ट लिस्ट दोस्तों आप की आएगी, देखिए ये फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट आना है आपको। 26 मार्च को आपकी डेट आएगी फर्स्ट लिस्ट की, जिन कैंडिडेट की होना है। इसके बाद जो कैंडिडेट बचे रहेंगे उनकी जो सेकंड लिस्ट है एडमिशन के लिए, वो आएगी आपकी 9 अप्रैल को। और दोस्तों, उसमें से यदि सीटें बची रहीं तो थर्ड लिस्ट जो आएगी वो आएगी आपकी 23 अप्रैल को। तो पहली लिस्ट जो आना है रजिस्ट्रेशन के बाद, फॉर्म भरने के बाद 26 तारीख, दूसरी आना है 9 अप्रैल, तीसरी आना है 23 अप्रैल। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना, कक्षा यदि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो, देखिए दोस्तों, यदि इनके लिए उतने आवेदन नहीं मिलते हैं तो ये दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वो नोटिफिकेशन आपका जारी होगा 30 मार्च 2019 से, और रजिस्ट्रेशन भी 30 मार्च 2019 से स्टार्ट होके 6 अप्रैल तक दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे, और एडमिशन जो रहेगा वो 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ये एडमिशन के लिए रहेगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यदि पंजीकरण की प्रथम अवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पर्याप्त संख्या में पंजीकरण ना हो, दूसरी अधिसूचना जारी की जा सकती है। यदि पहले उसमें, दूसरी अधिसूचना के पहले उसमें यदि आपको या कैंडिडेट और बचते हैं या सीटें बचती हैं, तो आपके लिए दोबारा से फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वो नोटिफिकेशन देखिए आप, ये होगा 30 मार्च को दोबारा से नोटिफिकेशन जारी होगा, और 30 मार्च से 6 अप्रैल तक दोबारा से फिर से ये लिस्ट जारी होगी। ये SC ST के लिए है, और एडमिशन वही रहेंगे आपके 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में एडमिशन जारी रहेंगे। और दोस्तों आगे देखिए, कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण कक्षा 11वीं को छोड़कर तथा कक्षा विशेष में रिक्तियां होने में, चलिए जो कक्षा पहली का है ये अलग हो गया कक्षा 2 का, और बाकी दूसरी जो कक्षाएं हैं उनके लिए एडमिशन के लिए 2 अप्रैल सुबह 8 बजे से 9 अप्रैल तक एडमिशन दिए जाएंगे। पहली क्लास छोड़कर, क्लास फर्स्ट छोड़कर, बाकी जो भी क्लास रहेगी 11वीं की क्लास छोड़कर, उनको लिए 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक एडमिशन दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना, जो आपकी द्वितीय और आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको जो सूची जारी करना है वो है दोस्तों 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को आपकी जो दूसरी कक्षाएं हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम पाँचवीं फिफ्थवीं छठवीं जो भी सातवीं आठवीं जो भी क्लासें हैं उनके लिए जो नया नोटिफिकेशन आएगा जो जारी होगा या एडमिशन की डेट होगी वो 12 अप्रैल रहेगी। द्वितीय कक्षा तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश के लिए 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एडमिशन रहेंगे और कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। 11वीं को छोड़कर दोस्तों बाकी जो भी एडमिशन की डेट है वो 30 अप्रैल रहेगी लास्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों केवी के छात्र छात्राएँ तथा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण बोर्ड से परिणामित घोषित होने के 10 दिन के अंदर इनके एडमिशन हो जाएंगे और बोर्ड के परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अंदर इनका एडमिशन की सूची जारी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों गैर केवी के छात्र छात्राएं 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश रिक्तियां होने पर यदि सीटें खाली रहीं तो दोबारा से नोटिफिकेशन जारी होगा। वो प्रवेश में अंतिम तिथि रहेंगे आपकी 1 जुलाई 2019। चलिए दोस्तों नोट देख लेते हैं। ये समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयन बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा व उत्तरवारी सूची सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय की सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर भी देना अनिवार्य है। ये जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो केंद्रीय विद्यालय की साइट पर आपके लिए ये शो हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि कोई सार्वजनिक अवकाश होता है तो अगले दिन इसको मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही।